हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बता देता हूँ। अपना केमिस्ट्री का सिलेबस तीन चार पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एक अपने सोइल साइंस, जो अपने एग्रीकल्चर 12th वाली चलती है वो वाली। तो सबसे पहले अपन करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में आती है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं? एक तो अपना है मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत रासायनिक अवधारणाएं, मूलभूत रासायनिक अवधारणा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना के बाद आती है अपनी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के बाद अपना आता है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध के बाद अपना अगला आता है आयनिक बंध। आयनिक बंध के बाद अगला टॉपिक आता है अपना रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य और रासायनिक साम्य के बाद अगला टॉपिक आता है अपना ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के बाद अगला आता है अधिशोषण। अधिशोषण के बाद अपना अगला आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स के बाद एक टॉपिक आता है अपना बल गति की। बल गति के बाद एक आता है अपना ऊष्मा रसायन। ये टॉपिक अपने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद नोट कर लेना है सारे टॉपिक। उसके बाद लेते हैं अपन पार्ट बी। पार्ट बी में आती है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो अपना है कोलाइड के अलावा एक अपना है एस ब्लॉक के अलावा एक है अपना डी ब्लॉक के अलावा एक है धातु बल। ये चार टॉपिक अपने फिजिकल केमिस्ट्री के दौरान आते हैं। उसके बाद अपना आया था पार्ट सी। पार्ट सी के दौरान अपनी आती है सोइल केमिस्ट्री, जो अपनी एग्रीकल्चर 12th वाली बुक के दौरान आती है। वो सोइल केमिस्ट्री आती है पार्ट सी में। तीन पार्ट हो गए। उसके बाद बचा पार्ट डी या पार्ट फोर्थ। उसके दौरान आती है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत टफ लगती है क्योंकि इसको पढ़ते नहीं है। इसके अंदर टॉपिक आता है, पहला तो बेसिक आएगा, बेसिक्स क्या क्या है, कौन कौन से नाम से कौन कौन सा नाम बनता है, मेथेज प्रोब ब्यूट आदि जो नाम बनते हैं वो बेसिक्स में आएंगे। उसके दौरान आएगा आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण के बाद इसमें आएगा समावयवता।
समाव्यवता के बाद इसमें आएगा जीओसी फर्स्ट, उसके बाद इसमें अगला टॉपिक आएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अलावा इसमें अगला आएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बाद इसमें अगला चैप्टर आएगा अपना एल्कोहल। एल्कोहल के बाद अगला टॉपिक आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद अपना अगला टॉपिक आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद अगला आएगा अपना बहुलक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर, बहुलक या पॉलीमर। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा दैनिक जीवन में रसायन। ये अपने टॉपिक आएंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये तो है अपना केमिस्ट्री का सिलेबस, इनसे क्वेश्चन आएंगे अपने पेपर में। मेनली ये इनका फंडा होता है कि 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएंगे, 10 इनऑर्गेनिक से आएंगे, 10 फिजिकल से आएंगे, 10 सोइल केमिस्ट्री से आएंगे, इस टाइप से आते हैं। फिर भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब अपन अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं एटम, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एटम, अपना फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, परमाणु संरचना या एटम। तो सबसे पहले बात आती है एटम की। एटम एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इस एटम शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया। उसके बाद एटम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एक टॉम, ए का मतलब होता है ए, और टम का मतलब होता है विभाज्य, टॉम का मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम का मतलब हो गया अविभाज्य, ऐसा कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका कोई और विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अपन एटम। और एटम किसने नाम दिया था, एटम नाम दिया था डॉल्टन ने। एटम नाम किसने दिया था, एटम नाम दिया था डॉल्टन ने। और एटम का मतलब क्या होता है, एटम मतलब होता है अविभाज्य कण, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। और एटम ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। उसके बाद तो इसकी नॉर्मल बात है, एटम क्या है, किस भाषा से लिया गया है। उसके बाद आता है एटम में एक इकाई, जैसे एटम में कोई भी नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के बाहर उसके कोश होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, ये लीजिए। ठीक है, कोश या ऊर्जा स्तर, इन्हें तो बोलते हैं कोश या फिर ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये इसका नाभिक होता है, ये क्या होता है, नाभिक होता है। और जिन कोशों में, जिन चक्रों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनके बीच का जो एरिया होता है वो होता है निर्वात, ये निर्वात कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपन एक सारणी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, एटम से रिलेटेड। इस सारणी में क्या होगा कि एटम, जो एटम में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, उनका भार कितना होता है, क्या क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें एक अपन सारणी बना लेंगे, उसमें एक साइड जो डाल देंगे घटक, कौन कौन से घटक हैं, उसके बाद इनकी इकाई कौन कौन सी, इकाई डाल लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके खोजकर्ता देख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज करता है। इनकी याद करने की बढ़िया ट्रिक है जी टी सी पेन, इसके थ्रू अपन को इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। जी टी सी पेन, जी टी सी पेन जी जी से करा है पी से, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। उसके बाद टी से खा रहा है ई से, तो इलेक्ट्रॉन किसने की थी, थॉमसन ने। उसके बाद सी से खा रहा है एन से, इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ऐसे अपन इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें खोजकर्ता लिखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, थॉमसन, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता। उसके बाद आता प्रोटॉन, प्रोटॉन खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। उसके बाद बचता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है। उसके बाद अपन इनका भार देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार, इनको मापने की कही होती है AMU, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है AMU के अनुसार, इसका होता है 0.00054। उसके बाद प्रोटॉन का होता है 1.0078 और न्यूट्रॉन का देखें तो इसको उल्टा कर दें 1.0087, बस ये इनमें बदलना होता है। ये अलग अलग सारा कुछ। उसके बाद इनका किलोग्राम में भार देखते हैं, किलोग्राम में इनका भार कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का किलोग्राम में भार होता है 9.1 × 10⁻³। उसके बाद प्रोटॉन का होता है 1.672 × 10⁻²। उसके बाद अगले चलते हैं उस पर, तो उसको होता है 1.675 × 10⁻²। ये होते हैं इनके किलोग्राम में भार। उसके बाद इन्हें प्रोटॉन के सापेक्ष, मतलब इसमें पी का भाग देने पर, पी के सापेक्ष, पी के सापेक्ष, पी के सापेक्ष का मतलब होता है इनमें पी का भाग देने पर, प्रोटॉन का भाग देने पर क्या आता है, तो इसमें आएगा 1/8 1837, उसमें आएगा 1 और इसमें आएगा लगभग 1 के समथिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद इनका, इनकी प्रकृति देखते हैं, नहीं पहले इनका कूलाम में आवेश देख लेते हैं, इनका आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, कूलाम, कूलाम में इनका मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इसका होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये तो होता है माइनस, ये होता है प्लस, और वो होता है जीरो, जीरो। न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो। आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, −1.6 × 10⁻¹⁹, और प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और न्यूट्रॉन का कितना होता है, जीरो। अब इनकी प्रकृति देख लेते हैं, ये कैसी कैसी प्रकृति के हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ऋणात्मक और प्रोटॉन होगा धनात्मक मुख प्रकृति का, और जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होगा, उदासीन, उस पर कोई विचार नहीं मिलेगा, वो उदासीन होगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी प्रकृति के होते हैं और उनके खोजकर्ता कौन है, कई बार इनका बाहर भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, आगे आते हैं अपन प्रोटॉन में कैथोड किरणें, ठीक है।
कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या होती हैं? ठीक है, तो कैथोड किरणें क्या होते हैं? कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनी हुई होती हैं, यह इलेक्ट्रॉन से निर्मित होती हैं। कैथोड किरणें किससे निर्मित होती हैं? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से निर्मित होती हैं और ये कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, मतलब ये कैथोड से एनोड की ओर जो इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गमन करते हैं। उसके बाद अगली आती है अपनी एनोड किरणें। एनोड किरणों का दूसरा नाम है कैनाल किरणें। दूसरा नाम क्या है इनका? एनाल किरणें। एनाल किरणें होती है, एनाल किरणों का निर्माण किससे होता है? एनाल किरणें जो प्रोटॉन से निर्मित होती हैं, प्रोटॉन से बनी होती हैं या फिर प्रोटॉन से निर्मित होती हैं, ये होती हैं एनोड किरणें। उसके बाद अपन अगला बात करेंगे अल्फा कण कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण एक हीलियम का द्विधनावेश परमाणु होता है। अल्फा कण होता है हीलियम का द्विधनावेशित हीलियम कण। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है हीलियम का द्विधनावेश कण या द्विधनावेश हीलियम कण। इसे बोलते हैं अल्फा कण। अल्फा कण का द्विधनावेश। इस पर जो आवेश होता है प्लस टू होता है और इसका मास 4 होता है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेश है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और ओनली ई लिखा है वहां, तो वो क्या होगा? उसका आवेश होगा कि जैसे इस पर प्लस टू द्विधनावेशित आवेश है, ठीक है, अल्फा कण पर द्विधनावेश आवेश है और इसका मास 4 होता है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण एक द्विधनावेश हीलियम कण होता है, ठीक है। उसके बाद अपन अगली चीज पढ़ेंगे परमाणु तत्वों का प्रदर्शन कैसे होता है, परमाणु क्रमांक, उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रदर्शन, आवेश का प्रदर्शन, द्रव्यमान प्रदर्शन कैसे होता है, तत्वों का प्रदर्शन। तत्वों का प्रदर्शन किया जाता है उनके एक मात्रा को तत्व द्वारा जेड ए। इसमें जो ए है वो दर्शाता है द्रव्यमान संख्या को और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है और जो जेड होता है नीचे वाला ये दर्शाता है परमाणु क्रमांक को, तत्वों का परमाणु क्रमांक कहता है और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या दोनों हमेशा बराबर होती है। एक्स यहां पर किसको प्रदर्शित करता है? किसी भी तत्व का प्रदर्शन करता है एक्स के द्वारा। ए यहां पर किसका प्रदर्शन करता है? ए प्रदर्शन करता है द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। जेड किसका प्रदर्शन करता है? जेड प्रदर्शन करता है यहाँ पर परमाणु क्रमांक का और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हमेशा दोनों तत्वों में समान होती है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि यदि इनमें कोई उदासीन परमाणु होगा, यदि उदासीन परमाणु है
उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। हमेशा उनमें यदि उदासीन परमाणु है तो सेम होगी। यदि कोई भी तत्व ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हमेशा धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश आता है, मतलब उसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, धनावेश मतलब। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, हमेशा ऋणावेश आता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है? हमेशा ऋणावेश, मतलब यदि किसी तत्व पर ऋणावेश दिखाई देता है तो उसने किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं कि जैसे कोई तत्व दे दिया अपन को, उसका अपन पता कैसे लगाएंगे, ठीक है? जैसे अपन को एक उदाहरण दे दिया है, एल्यूमिनियम 1327, ये अपन को कोई तत्व दे दिया है। अब अपन को पता लगाना है कि इसका प्रोटॉन कितना है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक कितना है, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, ठीक है? अब अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन पता है कि जो नीचे लिखा होता है तत्व के लेफ्ट साइड में, वो क्या होता है? उसका जेड परमाणु क्रमांक होता है। तो एक चीज अपन पता लगे, जेड इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। जेड बराबर 13 ऐसा परमाणु क्रमांक कितना है। एक चीज अपन को पता है कि ऊपर जो लेफ्ट साइड में लिखी होती है, राइट साइड में ऊपर जो लिखी होती है, वो क्या होती है? वो होती है उसकी द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या। जो ये ऊपर लिखा हुआ है वो इधर भी लिखा सकता है, इधर भी लिखा सकता है, दोनों साइड लिख सकते हैं। बट जो नीचे परमाणु क्रमांक संख्या होती है वो हमेशा लेफ्ट में लिखी जाएगी, राइट में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है? ये पता लग गया अपन को। और दूसरी चीज अपन को ये भी पता है कि जो प्रोटॉन है वो हमेशा किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के। तो अपन को पी भी पता लग गया, पी भी कितना है इसका? 13 आया, ठीक है? उसके बाद अपन अगला चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे। उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? प्रोटॉन के। तो ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए? 13 हो गए। अब बचा क्या अपना? परमाणु क्रमांक निकाल लिया, आवेश निकाल लिया, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन निकाल ली, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बचा क्या? न्यूट्रॉन। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है ए, वो किसका योग होती है? एन और पी का। अब अपन को ए पता है, एन पता है, पी पता है, तो एन निकालेंगे अपन, पी का ट्रांसफर कर देंगे इधर, एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। तो एन बराबर ए कितना है यहाँ पर? 27, माइनस पी कितना है? 13, बराबर कितना आ गया? 14। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितने? 14। ऐसे अपन किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उन्हें सॉल्व करके चेक कर लेना। नहीं आए तो वीडियो में कमेंट बता देना, कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो आएगी इसमें उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको देता हूँ, फर्स्ट F9 19 -1, ठीक है? एक देता हूँ मैं आपको 19K39 प्लस, एक मैं आपको देता हूँ 8 16, ठीक है? और एक और ले लीजिए नियॉन
ये चारों आपको सॉल्व करके देखने, यदि नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में बता देना। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर आगे चलते हैं अपन। इनमें अगले आते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे कि फर्स्ट है आइसोबार, समभारिक। यदि इंटर्न को इंग्लिश में बात करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व होंगे क्वेश्चन, क्योंकि अपने ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी सॉल्व होगा। आइसोबार, आइसोबारिक का मतलब होता है जिसमें भार समान हो, वह प्रजाति जिनका आपस में भार समान हो। लिख लेना, वह प्रजाति जिनका आपस में भार समान हो वो कहलाती है समभारिक या आइसोबार। अब देखो, अब ये अपन पढ़ के आए थे तत्व का प्रदर्शन में कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही कहता है भार, तो उसे प्रदर्शन किससे होता है, ए से। तो इसमें सेकंड वाला अक्षर ए, जिसका भी सेकंड वाला अक्षर है ए, आप जिनके आपस में भार समान। ऐसे ही अगर आप पढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक होता है आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। या फिर न्यूट्रॉन समान हो तो ये देख लीजिए एन, सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चर एन मतलब न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अपना समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक में आइसोटॉप, आइसोटॉप वह प्रजाति जिसमें प्रोटॉन या परमाणु द्रव्यमान समान हो। वह प्रजाति जिसमें प्रोटॉन या परमाणु द्रव्यमान समान हो वो कहलाते हैं आइसोटॉप समस्थानी। ये आप इंग्लिश से करोगे तो इनके सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर से जल्दी पता लग जाएगा अपन को ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन समस्थानिक कौन, एक मिनट, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं कौन सा होता है, होता है H1 और 1D2 1D3, ये होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, तो अब इनका पहले देखते हैं अपन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो नीचे संख्या होती है लेफ्ट में 1 1 1। उसके बाद अपन देखते हैं इनका द्रव्यमान संख्या कितनी है, क्या 1 2 3। उसके बाद अपन दिन के देखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के, परमाणु क्रमांक के। अपन निकालते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन समान होते हैं तो प्रोटॉन इनमें समान है। न्यूट्रॉन निकालते हैं 0 1 2, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं ए में से पी घटा देते हैं, ए में से पी घटाएंगे उनमें से बन गया 0, 2 में से बन गया 1, 3 में से बन गया 2, ये आते हैं इनके न्यूट्रॉन। ये हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं।
सभी इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे कि दे रखा अपन को 2HE और ये दे रखा 3Li प्लस, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2N, क्योंकि ये उदासीन परमाणु है तो प्रोटॉन बराबर होते हैं। इसमें क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, बट इसमें क्या है कि उदासीन परमाणु नहीं है, प्रोटॉन के बराबर जब होते थे वो उदासीन हो। इसमें क्या है, प्लस, प्लस कब आता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर द्रव्यमान आता है, तो कितना प्लस है, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है इसने, तो 3 में से गया कितने बचे, 2, तो ये क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने, 2-2 हैं। इसी तरह से कि जैसे ऑप्शन दे रहे हैं आपको, एट ओ टू माइनस, 7N-3, 9F-, ये दे दिया कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं ये देखने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये क्या है, उदासीन परमाणु नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, ऋणावेश, और ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन आता है, तो प्रोटॉन के बराबर इतने तो होंगे 8, और कितना ऋणावेश है, 2 ऋणावेश है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे, तो 8 और 2 कितने हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। उसी तरह इसमें कितने, 7 प्रोटॉन हिसाब से, लेकिन कितने ऋणावेश है, 3, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं, तो 7 × 3 कितने हो गए, 10 हो गए। उसी तरह अपने दे रखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन में प्रोटॉन के हिसाब से कितने, 9, क्योंकि उदासीन होता तो प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने एक कितना है, ऋणावेश है, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10। तो ये प्रजाति सम इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन समान है, ठीक है। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सॉल्व करके चेक करना, यदि नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले जो जो नहीं होंगे वो सारे करवा दिए जाएंगे। जैसे कि एक आपको दिया जाता है Cn- और N2, इसके लिए कैसे करना है, ये वाला और बता देता हूँ मैं आपको, कि कोई दो तत्व दे दे एक साथ तो क्या करें, ठीक है। तो पहले इसके काउंट करेंगे, सी, कार्बन कितना परमाणु होता है, 6 परमाणु होते हैं कार्बन में, ठीक है, 6 परमाणु होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये मतलब उदासीन है ना, ऋणावेश ना धनावेश, तो 6 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे इसमें, 6 हो गए। प्लस नाइट्रोजन साथ में दे रखा है, नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन उस पर एक ऋणावेश है, ऋणावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, कितना ऋणावेश है, 1, तो 7 और 1 कितने हो गए, 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 14। इस तरह से नाइट्रोजन देखेंगे, ये N2 नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन कितने होते हैं, 7 होते हैं, उदासीन है तो कोई इशू ही नहीं है, तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में 7 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 14, 7 + 7 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14, ऐसे काउंट करने हैं इनके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट एक दे दिया Na+, Mg+2 और Al+3, ये चेक करना है सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। उसके बाद अगला है 15P-3, 16S-2, 17Cl- और 18O1, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। अच्छा, इनके वो दे देता हूँ 11, 12, 13, वैसे ये तो भी याद हो जानी चाहिए आराम से। एक प्रोडक्ट टेबल भी मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप क्या है कि वो अच्छे से इनको याद कर लो और अच्छे से अपन इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। जैसे 21Sc+3 Ti+2 20Ca+2 और 19Po+ और एक और दे देता हूँ 4 हो जाएंगे BO3- CO3
माइनस टू एनओ थ्री माइनस, ठीक है, बीओ थ्री माइनस थ्री सीओ टू, सीओ थ्री माइनस टू एनओ थ्री माइनस, ये आपको चारों सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन अगला टॉपिक इस चैप्टर में अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, और हम जल्दी लाइव टेस्ट सीरीज चलाने की कोशिश करेंगे। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपके लिए लाइव टेस्ट क्लास सीरीज स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।